ठीक है, आज हमारा स्टूडियो में तशरीफ रखे हैं जनाब डॉक्टर सलीम पाटी साहब। डॉक्टर साहब हों तमना सारा साल इनकी तरफों रेडियो स्टेशन का सारा अमला की तरफों खुश आमदेद को तम अपना कीमती वक्त जो फुर्सत कर गया तशरीफ लिया ते अज तम समझना या दसेंगा कि इस बीमारी के दौरान बहुत सारी जानकारी तो समय थोड़ी पहुंच गई है जी। लेकिन फिर भी दूर दराज का बहुत सारा इलाका इस तरह का है कि जेड़ा सिर्फ रेडियो का जरिया ही हमारा इस प्रोग्राम के जरिए या किसी दूजा प्रोग्राम के जरिए ही जानकारी लेगा जी। तो उन्होंने जानकारी वास्ते तुम यह दसेंगा कि कोविड 19 या बीमारी जी इस तरह पूरी दुनिया के फैल चुकी है, इसका ये वजूहत के हैं, शुरुआत किस तरह हुई, मुख्तसर थोड़ा तारफ करवा जी जी जी। सब तो पहला आसम साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया कि स्टूडियो में बुलाया। मेरी तरफों जितना भी सामीन सुन रहे उन्होंने अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो मैं बिल्कुल ठीक क्यों कि इसका बारे में जो है रेडियो टीवी जी जी। और जो प्रिंट मीडिया अखबार वगैरह और भी जी सेहत का अमला है वे भी दस रहे हैं जी जी। तो काफ़ी सारी मालूमात जी है वह लोगों तक पहुंच चुकी है जी। और ये जो तुमने वायरस को ना लियो कोविड 19 जी जी यो 19 दिसंबर जी 2019 में पहलो केस जो सामने आए वो चाइना में आए जी जी। फिर चाइना में यो फैलियो उस जो सूबो था उसका नाम है वुहान जी जी। उस तो बाद यो फिर आस्ते आस्ते चूंकि आजकल यो बड़ो एक आम लफज हम इस्तेमाल करें ग्लोबल विलेज जी जी, यानी जो पूरी दुनिया एक ग्रां की तरीके न हो गई है फिर ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई एक आदमी ना हो दूजा ना जी जी फैल गई जी जी। डॉक्टर साहब जी तक हमारा इस जम्मू कश्मीर को और बिलखसूस हमारा जिला पुंछ को ताल्लुक है इस मामी कुछ इलाकों में लापरवाही की वजह तो ज्यादा अपना लोग भी इसका मुतासर हुए हैं इसको शिकार हुए हैं। मारो जिला पुंछ आधे तक तो इस तो पहले तक ठीक ही है उसकी वजह शायद यह भी है कि यो सब तो दूर वो जिलो है तो लोग पहुंचता जरा टाइम वक्त लग जाए और इस वाला देख रेख भी काफी सारी है लेकिन वो सारा कहने का बावजूद लोगों ने एहतियात की जरूरत है तब कहेगा लोगों ने किस किस्म को एहतियात इस हालत में करना चाहिए कि अगर हम बचा वहां तो बचा ही रहा जी। बिल्कुल बड़ा अच्छा तुमने क्यों हूं चूंकि पहले इस तो लोगों ने सुने हुए हो कि लॉकडाउन जी लॉकडाउन मतलब लोगों ने गवर्नमेंट की तरफों जबरदस्ती तरीके न एक किस्म अपना घर में जो पाबंद की हो गया हूं यह है कि जो 14 दिन और इन्होंने की हो तो 17 तक आए हो जी। लेकिन हूं बहुत सारे मुल्क जरा अपना सारा कारोबार खोल रहे हैं जी जी। तो हाँ ये भी थोड़ी बहुत जड़ी ग्रीन जोन जरा है उन्होंने जोन बनाई के ग्रीन जोन इन्होंने क्यों कि जित कोई भी केस जो है नहीं वो नहीं मारो जिला पहुंच उससे में ही हाँ यानी कि केस को मतलब ये है कि पॉजिटिव कोई नहीं आया जी जी यानी मुस्बत नहीं आया जी। तो उस तरीके का नाम खुशकिस्मत रहा है लेकिन हूं जो आने वाला वक्त है जी इसमें बड़ी एहतियात की जरूरत है जी 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 बिल्कुल जी जी क्योंकि हूं यह है कि जिस वक्त एक डिस्ट्रिक्ट तो दूजा डिस्ट्रिक्ट तक फिर एक स्टेट तो दूजी स्टेट तक ये लोग जरा फिर चलना फिर स्टार्ट करेंगे रेल गड्डी खुल जाएंगी बस खुल जाएंगी हवाई जहाज खुल जाएंगी तो ये जो आन जान वो सिलसिला एक जो है राबतों लोगों में शुरू हो जाए जी। वो भी दस तो चलो कि इस वक्त जड़ी है हमारी जड़ी है थोड़ी यह बदकिश्ती कहनी चाहिए जी। यह जड़ी बीमारी है ये बड़ा जड़ा सेहतमंद लोग है उन्होंने भी पाई जा रही है जी जी। लेकिन वो पतो नहीं चलता कि इसका जड़ा है जिस तरह हमने पहला भी बड़ी बारी दसे हुआ है जी जी कि बीमारी का लक्षण क्या है जी। बदकिश्ती यह है कि यह बीमारी जड़ी है दो हफ्ता तक भी अपना लक्षण दसती नहीं जी। तो यह हम परेशानी हो गई है कि जिचे तक टेस्ट नहीं है उसे इचे तक पता नहीं, पतो नहीं जी जी। तो उस हिसाब ना हाले तक तो हूं हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी हमने जड़ा टेस्ट लेना वे शुरू कर दिता जी जी। जरा बारह लोग आ रहे हैं जी तो पहला उन्होंने खैर गवर्नमेंट को तो बहुत कंट्रोल है जी। लेकिन हूं जड़ी चीज यह कहना चाहूंगो कि चूंकि हूं यो मौसम भी गर्म आ रहे हुए जी बड़ा सारा मारा लोग के मैं टोका में भी चला जाएगा जी। तो हो सके अल्लाह ताला इस तरीके नाल भी उन्होंने बचाव रखे हो जी जी। लेकिन कोशिश यही करनी है कि बाजारों की तरफ जी जी और हमारी जड़ी स्टेट है इस तू बाहर जी तो या बाहर मुल्का में लोग जे इस वक्त ये जरा अगला दो महीना अगर ना ही जाए तो बेहतर है जी। डॉक्टर साहब जिस तरह इसलिए लोग आउट ऑफ स्टेट जरा जम्मू कश्मीर तो बाहर का लोग था उस लॉकडाउन में रखा हुआ था उन्होंने उन्होंने मुंतकिल कर गया अपना अपना जिला में और अपना अपना इलाका में ले जाया जा रहा है और
हुकूमत ने उन्होंने वास्ते क्वारंटाइन सेंटर बनाया है इतनी उन्होंने उत्ते अपने लोकैलिटी में अपना उससे किसी सरकारी इमारत में किसी भी जगह उन्होंने रखे जा रहे 14 दिन वास्ते जी जी। लेकिन इस दौरान मां कुछ लोग हमदर्दी को इजहार करता मां उन्होंने जाकर उस मुलाकात करने की कोशिश करेगा या वे भी निका शुका वास्ते उसड़िया वा किसी ने बुलावेगा या खान पीन वास्ते कोई लेन देन की कोशिश करेगा तो ये लापरवाही किस हद तक खतरनाक है। या देखो तुमने यह बड़ी अच्छी गल कही है। देखो हम यही कह रहे हैं कि यो कोई पतो नहीं इस वक्त के क्यों इंसान जड़ो है वो इस बीमारी तू जड़ो है जूझ रहे हो है जी जी। क्योंकि उसमें भी नहीं पतो है जी बिल्कुल उसमें भी नहीं पतो लेकिन चूंकि एक जाप्तो दासित है जी कि इस तरीके ना अगर तुम करेगा तो तुम महफूज रहेगा जी। हुण इसको हरगिज यो मतलब नहीं है कि जड़ा भी बाहरों लोग आ रहे हैं जे भी कोई उन्होंने यह बीमारी है जी जी। लेकिन गवर्नमेंट यह कह के एहतियात करना है जी और एहतियात का तौर पर उन्होंने 14 दिन तक जी जड़ो है वो कोई गवर्नमेंट की तरफ उन्होंने घर को स्कूल है या कोई पंचायत घर है या जी नाम के मुताबिक यानी कि कायदा का मुताबिक उन्होंने उत रखे जाए ताकि बाहर का लोग उन 14 दिन में उन्होंने पतो चल जाए कि कोई लक्षण वगैरह आते नहीं रहे जी जी। तो अगर वे उन्होंने टेस्ट उस बाद आ जाए फिर उस बाद वे अपना घर में जाए और कोशिश करनी चाहिए कि वाकई तुमने ठीक किया है कि कोई बाहरों लोग आवे उन्होंने बच्चा काबरे आवे बीवी जड़े फैमिली पूरी जड़ी काबरी है तो थोड़ा जो जुड़ो है जज्बात पर काबू 14 दिन तक रखना चाहिए जी जी। फिर जिस वो घर आ जाए तो इंशाल्लाह फिर वे थर ना ली है जी। डॉक्टर साहब कौन लोग जड़ा वे ज्यादा इस कोरोना वायरस की जद में आ रहे हैं कि लोगों ना मुझे खतरनाक साबित हो रही है जी। हूं तो यह कहूंगा कि थोड़ो जो इसमें हूं डाटा एक तमना दूंगा जी जी। एक डाटा इन्होंने किया हुआ है 10-10 साल को जी मारा इत हिंदुस्तान में भी किया पूरी दुनिया में भी किया जी जी। सिफर तू ले गए 10 साल तक 10 साल तक या 9 साल तक जी 10 साल से 9 साल तक जी जी। उनमें जो है 1000 बच्चा में अगर यह स्टडी हुई है जी तो उसमें एक बच्चो जो है वो पॉजिटिव निकले हुए 9 तू ले गए 19 साल जरा नौजवान बच्चा है मारा जी उन्होंने भी जो है घाटी है 0% समझो जी है ना क्योंकि उन्होंने जी सिस्टम है अंदरों वो बड़ा मजबूत है जी। फिर इसे तरीके नाल 19 तू 29 जी जो उम्र बढ़े तो देखे योग्य हो है कि जो ही तम 60 साल क्रॉस करे जी उन्होंने लोगों में जो है ज्यादा है और बहुत बढ़ जाए जी जी 20% तक चले जाए जी। इसे तरीके नाल 70 तू 80 जी उन्होंने और ज्यादा हो जाए जी यदा हो गयो कि जड़ा नॉर्मल लोग है जी जी जिन्हें नाम का जी सेहतमंद है जी कोई बीमारी नहीं है इन्होंने लेकिन जिन्हें लोगों ने बीमारी है जिस तरह किसी ना ब्लड प्रेशर ज्यादा है जी जी शुगर ज्यादा है जी गुर्दा ही बीमारी है जी फेफड़ा ही बीमारी है जी कुछ और खून की जड़ी बीमारी है खून अगर कट है उन्होंने जड़ो है यह बीमारी जड़ा है यानी कि जल्दी हो सके जी। और ये पाए भी गयो है जी कि वह भी ज्यादा जी। डॉक्टर साहब जेड़ा लोग जिन्होंने दस कि किसी बीमारी तो पहले शिकार है या जिन्हों की कुवत मुदाफत घट है और अक्सर लोग ये देखे जी जिन्हें बीमारी कुछ भी नहीं होती लेकिन उन्होंने जिसम गड्डी जिस तम या आयरन की कमी की जी जी, 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 जी इस किस्म की कमजोरी में जी और उन्हें कमजोरी आयरन की कमी की वजह तो जी कमजोरी है उसके नाल हर बीमारी जी जल्दी उस बंदा ना अपना शिकार बनाएगा और इस तरह की कोरोना वायरस जैसी बीमारी का और ही ज्यादा जल्दी शिकार बना इसका बचाव वास्ते तो मैं के तदबीर दसेंगा आयरन की कमी जिस आदमी में है उसने क्योंकि जिसने शुगर है उसने तो पहले पता है शुगर की बीमारी या दूजी काई भी बीमारी है कोई इसको ब्लड प्रेशर है कुछ भी है लेकिन या जी आयरन की कमी वाली बीमारी है ना या जल्दी जल्दी पहचान नहीं होती इसकी तो थोड़ी पहचान दसेंगा कि या क्यों किस तरह पहचान ले आदमी के मीना खुदा ना खासा कि आयरन की कमी की वजह तो ही कमजोरी जी। यो तब मैं इसमें अर्ज करूँ की जड़ी इस नाम का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया डेफिशिएंसी मतलब कमी जी, कमी जी जी। आयरन एक माध्यात है जी, जड़ी खून में पाई जाए जी तो यह जड़ी ज्यादा पाई जाए या मारी जड़ी ये पेन है जी जी जड़ी बच्ची है जी या उन्ना में ज्यादा पाई जाए जो खास कर जड़ो है बच्चिया मां ते औरता मां जी यो तो सारा ना आजकल पतो ही वह HbA1c में का जी जी हीमोग्लोबिन जी तो यह जड़ी हीम है यही इससे में आयरन में ज्यादा जी तो जिस या जड़ी खून में इसकी कमी हो जाए जी तो ये उन पतो इस वास्ते नहीं लगतो क्योंकि टेस्ट नहीं होता कोई जी ठीक खून जड़ो है वो या दस के
जड़ी माए भी अपनी बच्चियां को जो आखो यो इसना बुरली जड़ी है जी आखो इसो जी इसना अगर बुणा करके देखेगा इसमें जितनी लाली काट पाएगी जी तो इसको मतलब जो इतना खून काटा है इतना खून काटा है फिर वे हाथ की तली भी देख सके जी जी फिर हाथ का जरा नूह है उन्हें तो भी मालूम हो सके जी, जी फिर अगर बहुत ही ज्यादा खून काटोगे हो जी तो फिर उसका लक्षण ये है कि कहेगा बहुत जल्दी थकावट हो जाए जी जी बिना बुखार महसूस होता रहे जी बिना भूख नहीं लगती अच्छा चलता चलता बहुत जल्दी थक जाऊं बिना सा चढ़ा जी तो ये जड़ी है कमी ये खून में जिस वक्त यानी या इसकी कमी आ गई तो समझ लगे ये कमी डॉक्टर साहब मुख्तसर जो तुम यह भी दसेंगे कि वे केड़ी केड़ी गजा है जी हमने घर में अपने खुराक के नाल शामिल करनी चाहिए जिन्होंने नाल यह कमी घर ही पूरी होती है जी बड़ा अच्छा सवाल किया है और इसमें कोई ज्यादातर जो है चूंकि हमारा इंगा लोग ज्यादा या खेती बाड़ी के नाल तलक रखे पहाड़ी लोग हैं जी ठीक और हर किस्म को मेवो भी मिल जाए जी और जड़ी गजायत है यही करेगा एक तो ये बंगाली चना नहीं होता जी ये आजकल आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चे ने दिता ही नहीं जी और बारो तम ले आ गए कह गए मार्केट में जा गए जी तो वे डूंगा में रात भिगो छुड़े जी सवेरे उन्होंने रोस्ट कियो जी गिलास दूध ना लिया लिप्टन चाय मिठी चाय जिस तरह के उसने खाए जी बच्चा ने भी खिलाना चाहिए जी और जड़ी लेडीज है घर में उन्होंने तो ज्यादा लेना चाहिए और गुड़ को जड़ो है जी ज्यादा इस्तेमाल दो दे ये चीज होगी तीजी जड़ी है हरी सब्जी जड़ी है जी मौसमी हिसाब नाल जी जिस तरह सरों ते बेहतरीन खून बढ़ने वाली जड़ी है सब्जी सब्जी है। फिर इसे तरीके ना पालक है जी वो है जी ये कश्मीरी आजकल साग में हाक साग जिसना के वो भी है फिर और भी मारा बड्डा में बड़ी सारी हरी सब्जी मतलब हरी सब्जी जड़ी है या हर एक उस वक्त फायदे जी, जी अगर ये खाएगा तो इंशाल्लाह जड़ी है कमी नहीं होने लगी है खून की। डॉक्टर साहब गल तो बहुत सारी और भी थारे को पूछनी थी लेकिन वक्त इजाजत नहीं देते कि मजीद और गल अगर बताई जाए तो तुम अपना कीमती वक्त फुर्सत करेगा हमारा कोला तशरीफ लिया सजना ने बहुत सारी मालूमत पहुंचाई थारो बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया।